आज हम लोग चर्चा करेंगे आई फ्लू के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत तेज़ी से देश में आई फ्लू फैल रहा है, जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, यानी पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इसे आँख आना भी कहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यह कोई नई बीमारी नहीं है जो तेज़ी से फैल रही है। इसमें यह पहले भी होता था लोगों को, ऐसा नहीं है। कभी कभी पहले क्या होता था कि जैसे धूप गर्मियों के बाद जो है बारिश का जब मौसम आता था, टेम्परेचर जो है बारिश के कारण जो है ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर धूप होते हुए टेम्परेचर बढ़ जाता था, तो ऐसे में इन्फेक्शनल चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही रीज़न रहता है कि जो है कंजक्टिवाइटिस या फिर जो है पिंक आई के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं दूसरे शब्दों में आँख आना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, आई फ्लू एक तरह से आँखों का संक्रमण होता है, जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में दर्द होता है, सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। यह बीमारी संक्रमण के कारण होती है और यह एक संक्रमण एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो है किसी व्यक्ति के आँख में देखने से नहीं होता है। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, अगर वह अपनी हाथ से अपने आँख को छूता है और अपने हाथ को किसी और जगह पर रख देता है, उसके बाद उस जगह पर आपका हाथ भी टच हो जाता है, तो ऐसे में जो है आप फिर आप अपने हाथ को जो अपने आँखों के पास टच कर देते हैं, तो ऐसे में जो है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आँखों में आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के लिए दोस्तों, आप बता देते हैं आपको, एक मोसी एक आई ड्रॉप है, एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग आँखों में बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह सकारात्मक सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोककर इन्फेक्शन के लक्षणों से राहत देता है। देखिए दोस्तों, यह जो होता है इसके साथ में जो एक मोसी डी भी आता है, वो डेक्सामेथासोन के साथ में होता है। उसमें क्या होता है, डेक्सामेथासोन वो जो है एक जो है स्टेरॉयड दवा होती है, वो अगर आँखों में आपके सूजन है तो वह सूजन को कम कर देती है, जो मोक्सी डी होता है। और यह जो इसमें मोक्सीफ्लक्सासिन साल्ट कंपोजिशन है, यह क्या करता है कि यह जो है एंटीबायोटिक है और यह जो है इन्फेक्शन को जो है बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है उसको जो है रोक देता है, उसको खत्म करता है और अवरुद्ध कर देता है। और यदि आँखों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए कोई एक पेन किलर लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लेना, ना कि स्वयं से लेना।